खबर इस वक्त आ रही है, आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई है। इस हादसे में एक की मौत, 10 यात्रियों के घायल होने की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर है ये, दरअसल ओवरहेड केबल कट जाने की वजह से हादसा हुआ। रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी हो गई। हालांकि उसी वक्त आई पलासा एक्सप्रेस ने रायगढ़ ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी है। नतीजा ये हुआ कि 3 बोगियां रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की पटरी से उतर गईं। घटना विजयनगरम जिले के कोठा वलासा मंडल के अलमांडा कंथकपल्ली की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हादसे के बाद की ये तस्वीर, जहां पर आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पहले एक ट्रेन ट्रैक पर ही रुक गई वायर कट जाने की वजह से, और उस ट्रेन को पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन ने टक्कर मारी है। केबल कट जाने की वजह से रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर रुक गई थी, जिसे पलासा एक्सप्रेस ने टक्कर मारी। रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर केरल से। केरल के कोच्चि में यहोवा समुदाय के लोगों का कार्य